आपका अभी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वालों को जितना आपको इतना समझना है कि एज पर लॉ आपको जो भी अमाउंट आएगा आपके अकाउंट में, मतलब आपके बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट में, वो दो चीज हो सकती है, या तो वो लोन हो सकता है या तो वो सेल्स हो सकता है, बराबर? तो मोस्टली तो वो सेल्स होगा। तो सेल्स आपका समझो अगर 1 साल में 1 करोड़ रुपए का हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आपका वो सेल्स बैंकिंग चैनल से हुआ है, मतलब कैश से नहीं हुआ है, बैंक बैंक में पैसा आया है, ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कैश से सेल्स हुआ फिर आप वो कैश को बैंक में डिपॉजिट करो, तो वो भी कैश सेल्स ही माना जाएगा, ठीक है? तो अज्यूमिंग कि आपको सारा पैसा बैंक से आया 1 करोड़ रुपया, तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको कम से कम 6% उसका जो है वो दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट, मतलब 6 लाख रुपए, ओके? तो आपने 6 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा दिया उसका 1 करोड़ रुपए का, तो आपको 6 लाख रुपए पे 33% टैक्स भरना पड़ेगा टैक्स आपको। भरना पड़ेगा। यस, 33% मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए। अभी यही चीज को मैं 1 लाख से करता हूँ, समझो आपका टोटल सेल्स 1 लाख रुपए है फर्स्ट ईयर में, तो आपका कितना हो गया, 6,000 रुपए हो गया आपका प्रॉफिट। तो 6,000 रुपए पे 2,000 रुपए आपको टैक्स भरना है, मतलब आपने अगर 10 रुपए का भी सेल्स किया तो उसमें प्रॉफिट कमाया तो आपको टैक्स भरना है। जबकि एक आम आदमी जो इंडिविजुअल होता है तो उसको जो है, जैसे अभी आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, आपने सेल्स किया समझो 20 लाख रुपए का, ठीक है, और आपने उसमें गवर्नमेंट का कहना है 6%, आपने दिखा दिया समझो 20 20% 20 लाख पे, तो कितना हो गया, 4 लाख रुपए प्रॉफिट, ठीक है? तो आपको जीरो टैक्स भरना है क्योंकि एज अ इंडिविजुअल 5 लाख तक आपका प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, समझ रहे आप? लेकिन कंपनी में ये बेनिफिट नहीं मिलता। लॉस प्राइवेट में बना रहे हैं सॉरी, हाँ, ये लॉस टैक्स मेरा टैक्स के हिसाब से तो इनिशियल स्टेज पे लॉस है। बैंक भाई, मेरा बैंक भी 1 से 2% होता है कंपनी में चलते हम लोग से। हाँ, अगर देखो अभी आपका समझो कि आप 6% पे नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो फिर आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो उसका आप 25-30 हज़ार रुपया पकड़ लो 25-30 हज़ार रुपया लगेगा साल साल का, में। साल का, हाँ, कम से कम। जितना प्रॉफिट आपने कम दिखाया और जितना आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा है, समझो आपका ट्रांजैक्शन 50 लाख का है और आप 6% की जगह 1% दिखाना चाहते हो, तो आपसे ऑडिटर 50,000 चार्ज करेगा। अगर आपका प्रॉफिट 1 करोड़ है और उसमें आप 1% दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आपसे फिर 1 लाख भी चार्ज कर सकता है वो, ऐसा है। तो डिपेंडिंग आप कितना कम ज्यादा दिखा रहे हो, आपको ऑडिटर उतना ज्यादा चार्ज करेगा क्योंकि उसको उतना ज्यादा मेहनत लगेगा। उसका साल का जो खर्चा आ जाता है कंपनी, जो आप खर्चा आ जाते हैं गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है तुम कितना भी खर्चा करो ना, हम लोग को परवाह नहीं, 94% खर्चा करो ना, हम दे रहे हैं ना 6% में। कोई भी बिजनेस 94% से ज्यादा कितना, अभी तुम कितना खर्चा दिखा सकते हो, दिखा दिखा के कितने बिल दिखाओगे, 94% से ज्यादा दिखा सकते हो। अभी कुछ ऐसे जेन्युइन होते हैं जिनके सच्ची में होते बिल, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मोबाइल फोन की रिफिल करते, ठीक है? अभी एक बंदा आया था हमारे पास, तो मोबाइल फोन की रिफिल करता था बैठ के कोई स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास, तो उसने 1 साल में 2 करोड़ रुपए का सेल किया, ठीक है? उसका सेल भी मोस्टली कैश सेल था, तो उससे हमने पूछा तो उससे बोला देखो भाई हमने तो 2 करोड़ रुपए का मोबाइल का रिचार्ज भेजा है, बेचा है, ठीक है, डीटीएच रिचार्ज है, मोबाइल रिचार्ज है, ठीक है, तो एक मतलब 300 रुपए के रिचार्ज पे उन्हें 2 रुपया या 3 रुपया मिलता है, तो उनको वाकई में इतना कम पैसा मिलता है। तो फिर वो उसको ऑडिट करवाना पड़ा क्योंकि वो उतना ज्यादा नहीं दिखा सकता ना, तो ऑडिट उसे करवाना पड़ा, ऑडिट का खर्चा लगा उसे, तो उसे समझो 2 करोड़ रुपए के ऊपर अप्रोक्सीमेटली साल का 2 लाख 2.5 लाख रुपए कमाया होगा, ओके, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 रुपया महीना फॉर फ्री चार्जिंग, ठीक है?
तो उसको 2.5 लाख में से 30-35 हज़ार रुपये ऑडिट के देने पड़े। ऐसे है क्योंकि उनका रियल में ऐसा था। तो लोग कंपनी बनाते इसलिए क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है ना वो ज्यादा स्टेबल लगता है लोगों को, कि हाँ ये स्टेबल है, इसमें लोग ज्यादा बिजनेस देंगे। मैं तो खुद लोगों को बोलता भाई आप कंपनी क्यों बना रहे हो, पहले प्रोप्राइटरशिप बनाओ उससे चालू करो। तो वो बोलते नहीं हमको, प्रोप्राइटरशिप बनाने में, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें ये सब झमेले नहीं होते हैं। हाँ अगर उसका उसका टर्नओवर काफी ज्यादा हो गया, मतलब 50 लाख 1 करोड़ पार कर गया, तो ऑन बिल। कोई चिंता नहीं, 6% का है ना, सेम लगेगा प्रोविजन। फर्क इतना लगेगा कि आपको 5 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा उसमें। कोई भी टाइम पे प्रोप्राइटरशिप में आपको कम पैसे ही मिलेंगे, मतलब क्योंकि मेरा कम कम टैक्स ही प्रोप्राइटर्स, लगेगा। और अगर इसमें मतलब अगर मेरा अमाउंट ही कम का है, बिजली मेरा कम अमाउंट का है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को प्राइवेट लिमिटेड खोलने में। हाँ 6% तो देना ही है, गवर्नमेंट को जाने जाना है, फिक्स हाँ है। हाँ मैंने कहीं पढ़ा था इसका स्टूडेंट आई थिंक इसका तो 6% का 33% आप ब्याज कह रहे हैं ना नहीं गवर्नमेंट को देना है। हाँ 6% का 33% टैक्स देना है। 1 करोड़ आया, तो अभी समझो ध्यान से सुनो, 1 करोड़ आया उसका 6% कितना हो गया, 6 लाख। 6 लाख का 33% देना है, और समझ मिनिमम रहे हो। बेनिफिट 6% होना ही चाहिए। अगर वो 6% में नहीं लेना है तुमको तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। और जिसके और दूसरे खर्चे आ जाते हैं, जैसे आपका मई मंथली आपका फिक्स होगा कि जी को जीएसटी पे करना है, वो आप लोग करोगे, ठीक है। बाकी जो कुछ फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं साल में 2-3 बार, वो वो सारी सबके चीजों के लिए अलग खर्चा कितना आ खर्चे, जाता है, वो उसे कितना खर्चा आ जाता है, उसका समझो ना महीने का 2,000-2,500 पकड़ के चलो। मतलब ऑन एवरेज फिक्स है, मतलब साल का 24-25 हज़ार फिक्स आपका ये भी है। हाँ वो तो है ही। चलिए मैं एक बार बात कर लूँगा अपने पार्टी से। जैसे आपका अभी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वालों को